माननीय सदस्य श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, जो गेटवे ऑफ एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर में सम्मिलित होने के बाद भी हम लोग विभिन्न विसंगतियों से जूझते हैं। अभी सरकार ने पिछले दिनों रैपिड रेल चलाई, जो जाकर के मेरठ के आखिर में रुकी, मुजफ्फरनगर तक नहीं गई, जबकि मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। वहाँ के लोग उद्योग धंधों का दंश तो झेल रहे हैं, उनके दूषित पानी से कैंसर पैदा होता है, लोग कैंसर में, आँख की बीमारी है, दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। परंतु अगर रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर कर दिया जाए तो लोगों को आवागमन की सुविधा होगी, व्यापार भी फले फूलेगा और लोगों की जान भी बचेगी। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक कर दिया जाए और उन इंडस्ट्रीज पर जिनके धुएँ से लोगों की आँख खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, और जो ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर जो पोलराइज हुआ है, उससे हमारा प्रदूषित हुआ, उससे लोगों की जान जा रही है, कैंसर फैल रहा है, उसकी भी सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।